वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण हुए राजस्व घाटे को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के करीब 6 लाख सरकारी कर्मचारियों के मार्च का 75% वेतन स्थगित किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएम आवास पर हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया। हालांकि मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, संविदाकर्मी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। इसके चलते उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। गहलोत सरकार ने इस दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में नहीं आने वाले 31 लाख लोगों को बड़ी राहत भी दी है। पेंशन के दायरे में नहीं आने वाले लोगों को 1500 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। आपको बता दें, प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। इसके चलते मार्च के महीने में अर्जित होने वाले राजस्व में करीब 17,000 करोड़ रुपए की कमी आ गई है। इसी के कारण गहलोत सरकार ने एक बड़ा निर्णय इस पर लिया है।